खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हम उत्तराखंड की ही कर लेते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अभी भी 9000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इसके पहले मंगलवार को 127 और शव बरामद होने के साथ इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 807 पर जा पहुंची है। लगातार स्थिति खराब होती हुई चली जा रही है। एक तरफ चुनौती इस बात की है कि जितने लोगों की मौत हुई है केदार घाटी में, उन सभी का अंतिम संस्कार किया जाए, इसके लिए जरूरत की लकड़ी और साथ ही घी को लेकर वहां पर सेना जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जरूरी है उन 9000 लोगों को बचाना जो जहां तहां फंसे हुए हैं, और जिंदगी को बचाने की इस जद्दोजहद में बारिश विलन बनकर सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे हम गुप्तकाशी का, जहां से अभय पराशर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभय, सबसे पहले बताइए मौसम का मिजाज वहां क्या बना हुआ है। कहा नहीं जा सकता, दो दो मिनट के अंदर यहां का मौसम बदलता है। अभी फिलहाल गुप्तकाशी का जो मौसम है, साफ मौसम है, सुबह यहां पर धूप निकली है, लेकिन दोपहर होने के बाद धीरे धीरे यहां पर घने बादल आ जाते हैं और शाम को तेज बारिश होने लग जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त गुप्तकाशी मेन गुप्तकाशी की तस्वीरें हैं। फिलहाल सुबह जो है मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, और ये एक थोड़ी सी राहत देने वाली है, क्योंकि जो केदारनाथ पर जो चिताएं हैं उन्हें जलाने का काम जो था, जो कल किया जाना था, वो भी इसलिए नहीं किया जा चुका क्योंकि बहुत तेज वहां पर बारिश थी। उसकी कोशिश आज की जाएगी। लकड़ियां और जो घी है वो लगातार वहां पहुंच रहा है। फिलहाल मौसम ऐसा है, लेकिन कल रात भी यहां पर लगातार बारिश हुई है और जैसे ही जैसे शाम होती जाती है यहां पर जो है बिल्कुल घने बादल हो जाते हैं। यही वजह है कि जो आगे जाने वाले रास्ते हैं, जो गौरीकुंड की तरफ रास्ते जाते हैं, गुप्तकाशी के आगे थोड़ा सा आगे जाके जितने भी यहां पर गांव पड़ते हैं गौरीकुंड से पहले, वहां बीच में रास्ते टूट गए हैं। कल रात वहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है जिससे काफी ज्यादा रास्ते टूट चुके हैं, यानी कि सड़कें बंद है। वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और यही एक वजह है, जिस तरीके से कल देखा कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें जवान मौजूद थे, जिसमें आईटीबीपी के साथ ही साथ और इसके अंदर जवान मौजूद थे, वो हेलीकॉप्टर चट्टान से टकरा गया और उसमें लोगों की मौत हो गई। ये एक खतरा बना हुआ है और ये जो सभी जो जवान थे, इन्हें ये आ रहे थे क्योंकि ये जहां से आ रहे थे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका था, अब दूसरी जगह जाना था, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। यही एक वजह है कि ऊपर केदारनाथ पर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं जिन जो पंडितों को वहां पर पहुंचना है। हालांकि पुलिस की एक टीम जो है, जो जिसे उस अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर रहना है, वो वहां पर पहुंच चुकी है, लकड़ियों का वहां पर बिल्कुल, और समय से अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा तो महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। अभय, लेकिन यहां पर जानना चाहेंगे, अब जैसा कि तस्वीरों में हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं कि मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है, जरा ये बताइए कि 9000 लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है? आज कोई भी जानकारी आई है? कुछ हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है क्या? देखिए चित्रा, बिल्कुल मैं आपको एक बात साफ कर दूं, यहां पर जो ऑफिशियल तौर पर यह बताया जा चुका है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके खत्म होने के बाद जो यहां पर लगातार आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, काफी सारे एनजीओ जो यहां पर लगे हुए हैं जो कि लिस्ट तैयार कर रहे हैं, कई हजार लोग जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू नहीं किया गया है। केदारनाथ जाने के लिए जो कि टीम है, कुछ चौपर शाम के दौरान उड़ान जरूर भरते हैं क्योंकि, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो वो भी वापस उतर जाते हैं जैसा कि कल देखा गया था, और एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार भी हो गया था। ये एक वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी नहीं शुरू किया गया है। ऑफिशियल तौर पर यह बोल दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन लगातार यहां पर ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि अपनों को ढूंढने के लिए उनकी तस्वीरें, उनकी लिस्ट यहां पर लेके घूम रहे हैं, और जो यहां पर आंकड़े लगाए गए हैं जो कि हालांकि सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं, उसके दौरान अगर बात करें तो कई हजार लोग ऐसे हैं जिनके बारे में, जिनकी कोई लिस्ट अभी जारी ही नहीं की गई है, वो कहां है कुछ नहीं पता, क्योंकि गौरीकुंड से आगे, गौरीकुंड से पहले भी और आगे भी जितने छोटे छोटे गांव पड़ते हैं वो काफी ज्यादा बह चुके हैं, और वहां तक जिस तरीके से आज भी हमारे कुछ सहयोगी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाने का रास्ता जो है पूरी तरीके से हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला है, और इसी वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जबकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 9000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। आखिर सरकार कर क्या कर रही है, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल मौसम का मिजाज थोड़ी थोड़ी देर पर वहां पर साफ हो रहा है, जिसके कारण माना यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभय, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।